नमस्कार एंड वेलकम टू द न्यूज नाउ। तो जैसा कि होता है ना कि इंसान जो है, अगर कहते हैं जब लिखने की एक बात होती है तो हमारे जम्मू कश्मीर में इतना ज्यादा टैलेंट है, इतनी ज्यादा चीजें हैं कि हर कोई जो है एक अपनी कहते हैं ना एक अपने उसमें एक अलग किस्म का टैलेंट है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं, जिसको उनका टैलेंट मैं कहना नहीं चाहूंगी, वो बच्चे नहीं है, काफी बुजुर्ग हो चुके हैं और उनका एक टैलेंट है वो काफी अच्छा लिखते हैं। तो आज उनका एक जो है गजल संग्रह कह सकते हैं, गजल बुक जो है उन्होंने लॉन्च की है जिसका नाम है ग्रेट। मैं बात कर रही हूँ श्री नरसिंह जमवाल जी की। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी किताब के बारे में। हेलो सर एंड वेलकम। सर सबसे पहले बताएंगे कि आपकी जो ये गजल बुक है इसमें स्पेशल क्या है, इसमें क्या ज्यादा आपने किस चीज पे फोकस किया है? देखिए गजल एक ऐसी सिनिफ है कि जिसका हर शेर अपने अलग सब्जेक्ट, जो कविता से इसीलिए अलग है कि इसके जितने भी शेर होंगे वो अपनी अलग अलग रंगत लेकर आएंगे और जितना विजन लेखक का है, लेखक जितनी ऊंची उड़ान भर सकता है उसके लिए खुला मैदान है। गजल इसीलिए अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल बखरी बिल्कुल अलग से रखती है, क्योंकि गजल के बारे में तो कविता की तरह कोई सब्जेक्टिव नहीं होती है। जैसे कि आपकी अगर बात करें, आप जो हैं डुगर मन से जुड़े हुए हैं, एक आपकी जो डोगरी की कोई भी बात लिखी जाए, आप काफी पुराने समय से लिखते आ रहे हैं, तो जो कोई गजल है जैसे, तो उसको जब लिखते हैं तो उस वक्त आपके मन में कैसी, वो कहते हैं ना कि कैसे उधेड़बुन होती है? नहीं ऐसा नहीं होता है यहाँ तक शेर और शायरी का तल्लुक है, बल्कि लेखन का सारा, अगर हम फिक्शन को छोड़ दें तो कविता में तो ऐसा नहीं है। कविता में तो बिल्कुल जब एक सोच आपकी आती है लगातार आपको वो दस्तक देती है कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, आप उसके ढंग से जब वो सोचना शुरू करते हैं और एक दफा वो बीज आपकी सोच में आ जाता है तो फिर आप उसकी नेटिंग करते हैं। ऐसे नहीं है कि उसके लिए आपको कोई प्री प्लान करेंगे, प्री प्लानिंग से कम कविता नहीं होती है। फिक्शन के लिए फिर थोड़ा सा सोचा जा सकता है कि कहानी लिखूंगा ये यहाँ से लूंगा वहां से, लेकिन कविता तो ऐसे ही वो कहते हैं ना अल्हाम का, जैसे कि ऊपर से एक संदेश सा आता है वो आपको बार बार नॉक करता है कि नहीं इस पर लिखो और फिर लिखा जाता है। तो अगर सब्जेक्टिव है तो वो कविता हो जाएगी, तब तो आप जैसे अभी समझिए आतंकवादी है, हम उसको लेकर एक कविता आसानी से लिखेंगे, लेकिन जब हम गजल लिखेंगे तो उसमें आतंकवाद पर उसी गजल में एक शेर आ जाएगा जो सारी तस्वीर को दे जाएगा, बाकी दूसरा जो है दूसरे शेर अपने अपने रंग के होंगे और यही खसूसियत है गजल की, इसलिए वो ज्यादा आम फैम भी है, लोगों में ज्यादा मकबूल भी है कि हर आदमी को उसकी टेस्ट की कोई ना कोई चीज गजल में, एक ही गजल में मिल जाती है। सर आपकी जैसे आपने कहा गजल जो है ऑन फेम है, उसकी एक अलग पहचान भी है, तो आप जैसे डोगरी में लिखते हैं, एक डोगरी साड़ी मातृभाषा भी है, पहले से एक अलग ना जाऊंगी तो करने में एक गल दस कि जो डोगरी है वो अज अगर साड़ी जनरेशन की गल करते जो आने वाली नवी पीढ़ी है उस बड़ा एदा जो प्रभाव है घट होने लगा रहा है, तो उसके बारे में की सोच? नहीं देखिए ये दो चीजें हम एक साथ नहीं कर पाते। पहली बात ये है कि जब आपका एक मिशन बनता है, वाल्डेन है, लड़का जब मैट्रिक से या हायर सेकेंडरी से ऊपर जाता है उसका एक अपना विजन है, तो सबसे पहले हर आदमी के लिए एक लिविलिटी प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं कि उसको आमदन का कोई ना कोई जरिया तो होना ही चाहिए, वो तो होगा, इसलिए हम उसे ये कहें कि उसमें कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं, उसका एक अपनी लाइन है जो उसको वो पकड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये इम्पोर्टेंट है कि आप जिस पेड़ के नीचे बैठते हैं उसकी जड़ों के साथ कितने जुड़े हैं और वहीं से आपकी आइडेंटिटी होगी। भाषा
वहाँ आपका काम देती है, कल्चर, भाषा, हिस्ट्री, इतिहास, ये सारी चीजें उस वक्त आपके काम आएंगी जब आपको ये समझ आ जाए कि मुझे अब खाना पीना मेरा जो है उसका तो थोड़ा बहुत प्रबंध हो गया है, लेकिन मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो आइडेंटिटी जो है उसके लिए उसको कोई ना कोई ऐसा काम करना पड़ेगा, और करेगा वो अगर उसको अपनी आइडेंटिटी का फिक्र है तो फिर वो खुद ब खुद जुड़ेगा अपने इतिहास के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपनी भाषा भी उसी में आ जाएगी। और ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किस भाषा में लिखते हैं किस में नहीं लिखते हैं। अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ हिंदी में कर रहा हूँ या हिंदुस्तानी में कर, अब तो हमारी भाषाएं भी तो मिक्स हो गई हैं। अब हम ठेठ उर्दू नहीं बोलते, ठेठ हिंदी नहीं बोलते, ठेठ हमारी कोई भी भाषा, इवन जो बड़ी सीमित या बड़ी रिस्ट्रिक्टेड भाषाएं भी हैं, जैसे हम कश्मीरी को ले लें, तो वो भी उसमें भी इतनी शब्दावली आ गई है, खासकर प्रेजेंट, जैसे अभी आपकी टेक्निक है तो वो कैमरे को कैमरा ही बोलेंगे, चाहे कश्मीरी है, चाहे डोगरी है, चाहे उर्दू है, चाहे जो एक नाम मिल गया उसको मिलेगा, मोबाइल को मोबाइल ही बोल लेंगे। कहाँ से आया, कैसे आया, ये जनसाधारण की बात नहीं है, ये आएगा खुद ब खुद आएगा, बाजार में जाएंगे आपको उसके साथ बात करने से आएगा, दूसरे से आएगा। तो भाषाएं ऐसे पनपती हैं, मिक्स होती हैं, और खतरा वहाँ होता है कि जहाँ आप अपनी आइडेंटिटी से हटकर उसके बात सोचेंगे। अगर आप अपनी आइडेंटिटी में हैं तो कोई मेरी भाषा को, मैं अपने घर में खाना खाते वक्त जो भाषा बोलता हूँ, कोई प्राइम मिनिस्टर मुझसे आकर ये नहीं कहेगा कि आप उर्दू बोलो या हिंदी बोलो। तो इसलिए ये समझने की बात है कि आइडेंटिटी है तो कल्चर है, और कल्चर है तो भाषा भी है, इतिहास भी है, सब कुछ है। आज मैं एक गुजारिश है कि साडे जुड़े व्यूवर्स ना हुंदे आ, तुसीं इक अपनी जड़ी गजल है ओ सुनाई ओड़ो डोगरी च, ते बड़ी अच्छी गल हो। ये अब गजल गजल का तो कोई दो लाइनें ही सुनाई ओड़ो। हां बस वही हो, कहते हैं कि दो लाइनें मैं आपको सुना देता हूं। जो खुल गया जैसे बाएं च सैम आरिक बेड़ा पसार चुप है, बाइच सैम अरिक बेड़ा पसार चुप है, सोचे दी पीड़ तांगें दा पूरा खलार चुप है। एक अलख में जगाई निको सारियें दी गैली, पर तो ये मी पलांबी अरिक दुआर चुप है। तो सर बड़ा बड़ा शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बात करने के लिए, अपना थोड़ा सा वक्त देने के लिए। भाषा, हम भाषा के लिए जब लिखते हैं तो उसमें किसी पर कोई एहसान नहीं करते हम। मैं तो वही बात जहाँ भी कर रहे थे कि हम तो भाषा की जब बात करते हैं तो हम उसके सेवक हैं, उसमें हम किसी पर एहसान नहीं करते। अगर आप इसको ले जा रहे हैं तो आप हम पर एहसान कर रहे हैं कि आपकी थ्रू ये जो श्रोता जो व्यूर सुनेंगे, अगर उसमें 5% भी आदमी इस तरफ आते हैं तो ये अचीवमेंट है, ये रेसिप्रोकल है। तो जैसे कि सर ने हमसे बात की और इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है अपनी आइडेंटिटी से अगर हम जुड़े रहें तो हमारा कल्चर भी आगे बढ़ सकता है और हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो यही एक सोच के साथ जो है मैं हर बार आपको एक नई पर्सनालिटी के साथ मिलवाती हूँ, तो यही कोशिश रहेगी कि अगली बार भी किसी पर्सनैलिटी के साथ मिलवाएं और आपको भी बताएंगे किस तरीके से आप अपने कल्चर के साथ जुड़े रहें। तो कीप वॉचिंग न्यूज नाउ, न्यूज नाउ देखते रहें, न्यूज नाउ की तरफ से रोमी केयर।